पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह परमेश्वर पूर्ण है और उसका यह जगत समस्त कार्य भी पूर्ण है, अधूरापन कहीं नहीं है। इसलिए उस परब्रह्म को परिपूर्ण कहा जाता है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, उसी से समस्त जगत निकलता है, जगत अपने आपे में पूर्ण रहता है। समुद्र से जल आ रहा है और नदियों के द्वारा फिर वहीं जा रहा है। जितना पानी दुनिया में पहले था उतना ही अब है और आगे भी उतना ही रहेगा। सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेट करने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। कितना भी कहें कि अब धरती से सब चीजें निकाली जा रही हैं तो आगे बचेगा नहीं। जितने भी इस दुनिया में प्राणी आएंगे सबके लिए सब कुछ है, पर्याप्त है। गड़बड़ वहां होती है जहां नियत की खराबी होती है। कुछ लोग ज्यादा इकट्ठा करके रख लें और कुछ तक पहुंचने ना दें। तो भगवान की व्यवस्था पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकल भी जाए तो पूर्ण ही बचता है। दिए से ज्योति लेकर हम देखते हैं कि दूसरे दिए जल जाते हैं। गुरु ज्ञान देता है, शिक्षक पढ़ाता है, तो शिष्य पढ़ लिख करके आगे ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान भी कम नहीं हो जाता। इसी तरह से परमात्मा से हम सब कुछ ले रहे हैं लेकिन वहां कोई कमी नहीं रहती, वो पूर्ण है। लेकिन मैंने कल आपसे कहा था कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, मनुष्य पूर्ण की यात्रा पर है। इसलिए वो अपनी पूर्णता के लिए छटपटाता है, पूर्णता के लिए छटपटाता है कि जहां कहीं उसको न्यूनता दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है, अभाव दिखाई देता है, बस वहीं उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। ये होता तो कितना अच्छा होता, ये चीज मिल जाती तो मैं कितना खुश होता। इसलिए व्यक्ति पूर्ण की यात्रा पर लगातार निकला हुआ है। ये भी एक अद्भुत बात है कि पूर्ण है परमेश्वर। तो पूर्ण परमेश्वर के पास ही पूर्ण आनंद भी है, इसलिए उसे पूर्ण आनंद भी कहते हैं। तो हम सब आनंदात खलु इमानी भूतानि जायन्ते, आनंद से ही दुनिया में जीव आए हैं और वही मनुष्य की खोज है। मतलब हर आदमी आनंद खोज रहा है, खुशी ढूंढ रहा है। खुशी के लिए जिसे हम आनंद कहेंगे उसमें खुशी, प्रसन्नता, मुस्कान, निर्भयता, निश्चिंतता और पूर्ण संतुलन और शांति सब जुड़ जाए तो एक शब्द बनता है आनंद। उस आनंद को पाने की चेष्टा में हम सभी लगे हुए हैं, क्योंकि वो मिल जाए तो पूर्णता हो जाती है, मतलब हम लोग तृप्त होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जल तब तक बहता है जब तक वह अपने पूर्ण स्वरूप, अपने केंद्र स्वरूप सागर से मिल नहीं जाता। इसलिए पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, क्योंकि समुद्र तल नीचे है तो बहकर उधर मिल जाना चाहता है जहां मिलकर उसे पूर्णता मिले और उसकी शक्ति बढ़ जाए, अपने केंद्र तक जाना चाहता है। वहां पहुंचते उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो पानी की सारी शक्ति समुद्र में है और पानी का पूर्ण आनंद समुद्र में है, पानी का पूर्ण स्वरूप समुद्र है। इसलिए दुनिया भर का सारा पानी समुद्र की तरफ जाता है।
लपट, आग की लपट। हर आग जलाओ तो लाइट ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो भी अपने स्रोत को, अपनी पूर्णता को खोज रही है। तो वो कहाँ है? सूरज में। सूरज आग की पूर्णता है, तो इसलिए आग की लपट हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और वो सूरज तक पहुंच जाना चाहती है। आप भी इस दुनिया में कुछ खोज रहे हैं कि हम भी पूर्ण हो जाएं। आप पूर्ण शक्ति चाहते हैं। अब शक्ति कहां मिलेगी? आदमी ढूंढता है, संगठन बनाओ, पार्टी बनाओ, लोग जोड़ो, अपना परिवार जिसे आप कुनबा बोलते हैं, कुनबे को इकट्ठा करो, रिश्तेदारों को इकट्ठा करो। और नहीं तो ब्याह शादी में तो लोग अपनी ताकत दिखाई देते हैं, शोक संवेदना के समय में भी ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर ये बताते हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आदमी को भी तसल्ली होती है, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे दुख के साथ इतने सारे लोग हैं। व्यक्ति हर रूप में अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। कुछ लोग धन में अपनी शक्ति ढूंढ रहे हैं, कुछ पद में ढूंढ रहे हैं, रुतबे में ढूंढ रहे हैं, मान प्रतिष्ठा में ढूंढ रहे हैं। ये पूर्णता पाने की चाह है। रुपए पैसे से आदमी, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी उदासी दूर हो जाए तो मनोरंजन में ढूंढ रहे हैं उसको। कुछ लोग कहते हैं हम हीन भाव महसूस करते हैं, तो अपने हीन भाव को दूर करने के लिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए वो फिर पार्टियां करते हैं बड़ी बड़ी। नेता को भी जब फर्क पड़ने लग जाता है, पार्टी को भी फर्क पड़ने लग जाता है, हम कहीं दब गए, नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, बड़ी रैली करेंगे। रैली होगी तो उसके बाद वो कहते हैं रैली से काम नहीं चलेगा, महारैला होना चाहिए। आदमी प्रदर्शन में लगा हुआ है, शक्ति दिखाना चाहता है, अधूरापन लगता है, पीछे रह गए, छोटे पड़ गए, हीनता आ गई। इसलिए आदमी कहीं सुरक्षा के लिए पागल है, कहीं सुविधा के लिए पागल है, कहीं साधन चाहता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स से लेकर के हर चीज, जितने अभी सुख सुविधा देने वाले उपकरण हो सकते हैं मेरे पास होने चाहिए। कहीं सजावट में वो सबसे आगे बढ़ जाना चाहता है, इसलिए बढ़िया परिधान से लेकर बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ियां। यूरोप अमेरिका में तो ज्यादातर यही चलता है, लोग जो है बढ़िया गाड़ियां लेना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं किसी के घर तो आना जाना कम होता है, जहां जाएंगे आएंगे गाड़ी से पता लगना चाहिए आदमी बड़ा है। फिर घड़ी पहनने से पता लगना चाहिए, हाथ में पेन हो तो वो भी कीमती होना चाहिए। तो लाखों की घड़ियां, सिंगापुर में हमने देखा एक घड़ी की दुकान के पास बड़ी सिक्योरिटी थी। तो मैंने जो सज्जन थे उनसे पूछा कि ऐसी क्या घड़ियां बिकती हैं यहाँ, बोले 17 लाख से शुरू होती है, डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़, पांच पांच दस दस करोड़ तक की घड़ियां हैं, और सिक्योरिटी अंदर बहुत जबरदस्त है। आदमी कहां तक जाएगा? पेंटिंग में देखें, अब पेंटिंग इतनी महंगी, जो पुरानी वॉन गॉग से लेकर के पिकासो तक की। सार में ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सब बताना मेरा मकसद नहीं है, कि व्यक्ति पूर्णता की खोज के लिए, अपनी हीनता दूर करने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, मैं कुछ हूं इसे दिखाने के लिए तरह तरह के प्रदर्शन करता है। और ज़्यादातर तो इस मूर्खता में हम शामिल हो जाते हैं, मेरा मकान तुझसे बड़ा है, मेरा घर परिवार, मेरी चीज़ें तुझसे ज़्यादा हैं, ये प्रदर्शन में पूरा जीवन गुजार देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जीवन में कहीं संतुष्टि शांति नहीं आ पाती। तो जीवन को एक नया रूप देने की चेष्टा कीजिए कि हम अपने अंदर से तनाव रहित हों, शांति को प्राप्त कर सकें। कल हमने ये चर्चा की थी
कि शांति की खोज में ही आपकी खोज है और शांति से ही भगवान तक आप पहुंचते हैं, शांति से ही आपके घर में खुशियां आती हैं, शांति हो मन में तो मुस्कुराहट भी आती है। शांति वाला व्यक्ति अच्छी योजनाएं बनाता है, अशांत व्यक्ति कभी भी अपना भला नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपको मन की शांति, घर परिवार में शांति, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने कार्य क्षेत्र में शांति की स्थापना को पहले महत्व देना चाहिए। अशांति से बचिए, मौन को भी महत्व दीजिए। शांत रहना, प्रकृति के बीच में रहना, गीत संगीत सुनना, मुस्कराते रहना, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपका तनाव भी दूर करती हैं और आपको शक्ति मिलती है। जिन लोगों के साथ बैठने से अशांति आती है, उन लोगों से छुटकारा पाएं, उनके पास कम जाएं। ज़्यादा शोर शराबा जहाँ होता है वहाँ भी अशांति होती है। ऐसे मोहल्ले में रह लेना जहाँ रात दिन लड़ाई झगड़ा ही चलता है तो भी अशांति आती है। और खान पान भी अगर व्यक्ति का ठीक नहीं है तो भी अशांति आती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर भी अशांति का कारण बनता है। ठीक से नींद ना आती हो तो भी अशांति का कारण बनता है। तो कुल मिलाकर आपको पहली चेष्टा ये करनी है कि मन शांत रहे, घर में शांति रहे और शांत स्थान पर बैठकर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग कीजिए। आपका भला करने के लिए कोई और आने वाला नहीं, ये चमत्कार आपको खुद ही करना है। अपना भला खुद ही करोगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने सीधा ही कह दिया, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को खुद ही अवसाद ग्रस्त मत करो। खुद को खुद मत कोसिए, खुद को निराश मत कीजिए, दुखी मत होइए। दुनिया ही कोसने में लगी हुई है तो खुद को क्यों कोस रहे हो? दुनिया ही रुलाने में लगी हुई है तो खुद को खुद बुरा बुरा कह करके क्यों दुखी कर रहे हो? आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर लोगों को पीड़ा होती है तो आप कम से कम दूसरों के हिसाब से अपने आप को मत चलाइए, खुद की जिंदगी को खुद के ढंग से चलाना शुरू कीजिए। तो ये एक सार हुआ जो आपने समझा। अब इससे आगे हम चलेंगे तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देंगे, तनाव रहित और शांत जीवन की चेष्टा की जाए। तो शांति की बात हमने की, अब तनाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आप कुछ भी करेंगे तनाव, टेंशन, स्ट्रेस तो आएगा। कैसे छुटकारा हो? पहले तो ये देख लीजिए कि जब आपको टेंशन आती है तो उस समय के जो सिम्टम्स बनते हैं वो क्या होते हैं। हड़बड़ाहट में रहना, इरिटेट रहना, गुस्से में बात करना, जल्दबाजी दिखाना, देर से सोना, देर तक सोते रहना, हड़बड़ाहट में फिर गाड़ी चलाते हुए जाना, खाने पर ध्यान ना देना, खाना भी खाना है तो जल्दबाजी में खाना, गाड़ी में बैठे बैठे चाय कॉफी पीते हुए और नाश्ता कुतरते हुए लोग चल रहे होते हैं, तो ऐसे लोग समझ लेना कि वो बहुत आगे बढ़ने की चाह में बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पा रही और चबाकर भोजन नहीं करते और पानी की मात्रा भी कम लेते हैं। उनकी ज़िंदगी में हंसना मुस्कराना कम हो जाता है, नकली हंसी हंसते हैं। ऐसे लोग एक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, भूलने लग जाते हैं। एक बात और आपने देखी होगी, कुछ लोगों को समय पर शब्द याद नहीं आते, तो इसका मतलब यह होता है कि उनको तनाव ने इतना खोखला कर दिया कि अंदर जो हमारे मस्तिष्क में सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज होने लग गए। अब स्थिति यह आ गई, अपने ही बच्चों का नाम बोल रहे हैं, आवाज देनी है बड़े वाले को और नाम निकल रहा है छोटे वाले का, और देख किसकी तरफ रहे, बीच वाले की तरफ।
पता लगता है कि आदमी तनाव में रहते रहते अपने आप को खोखला करता जा रहा। लोक विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज की मधुर वाणी में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2015, समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक एवं साय 5 बजे से 7 बजे तक, स्थान आनंद धाम पीसी चंद्रा गार्डन्स पार्ट 2 साइंस सिटी के सामने कोलकाता, निवेदक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता, 34 ACN राय रोड कोलकाता 39। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2015 तक। कार्यक्रम 23 दिसंबर साय 4 बजे से साय 6:30 बजे तक, 24 से 27 दिसंबर तक प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक एवं साय 4 बजे से साय 6:30 बजे तक। विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर पूर्णिमा दर्शन, 27 दिसंबर गुरु दीक्षा मंत्र कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से, स्थान रेशम बाग मैदान नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09226267972, 09326263339, 07123270422 और 09370644571। लोक विख्यात संत परम पूज्य संत श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट सत्संग 6 से 10 जनवरी 2016 सूरत, 6 से 10 जनवरी 2016 सूरत, शुभारंभ 6 जनवरी साय 5:30 से 7:30 बजे तक, 7, 8, 9, 10 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक, 7, 8, 9, 10 जनवरी साय 5 से 7 बजे तक। सत्संग स्थल रिया पार्टी प्लॉट, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के पास, उधना मगदल्ला रोड, सूरत, गुजरात। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात, कानपुर और उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद और हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य सवर सकता है। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, आध्यात्मिक जागरण की संदेश वाहक मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041।